तो मतलब कोई नहीं है पूरे गांव में जिसके बालों का प्रॉब्लम हो? बालों का प्रॉब्लम किसी के नहीं है। पिकी से हम ओल से आते हैं, आदिवासी का लोग के नाम से आजकल बहुत सारा स्कैम हो रहा है, स्कैम से बचो। गुजरात सूरत से जो ये लोग बना रहे हैं, बिल्कुल सही पढ़ा आप लोगों ने, अ डे विद आदिवासीज। और आप लोगों को याद होगा हमने पिछला वीडियो किया था आदिवासी हेयर ऑयल के चिन्नू भाई के साथ, और आज वही हमारे साथ हैं। आ जाओ चिन्नू भाई, आ जाओ। हेलो चिन्नू भाई। नमस्ते सर। हेलो, नमस्कार, कैसे हो आप? अच्छा, और हमारे अच्छा। साथ और भी सारे लोग हैं, आ जाओ सब लोग आ जाओ। और आज हम लोग आदिवासीज के साथ रहने वाले हैं, पूरे दिन रहने वाले हैं, और कैसे ये लोग बनाते हैं हेयर ऑयल और क्या सिस्टम रहता है यहाँ पर, है ना, सभी सब कुछ देखेंगे। और पिछली वीडियो में क्योंकि बहुत सारा प्यार मिला और चिन्नू भाई ने भी मुझे बताया कि बहुत सारे लोगों ने कॉल किया, इसलिए मैं ऑथेंटिसिटी चेक करने के लिए, और आपने लास्ट टाइम मुझे बुलाया भी था कि अगली बार आप सीधा यहीं आना, तो मैं सीधा यहीं आ गया। और आज हम इनका पूरा गाँव देखने वाले हैं। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो भाई हमारी जर्नी शुरू हो चुकी है मोपेड के ऊपर। और आपका नाम क्या है? मेरा नाम अभिषेक है सर। अभिषेक है आपका नाम। आपके बाल भी देख रहा हूँ मैं भाई, मुझे तो इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स हो रहा है, मेरे तो बाल ही नहीं है इतने, लेकिन आई होप कि इनका ऑयल लगा के मेरे भी जल्दी से आ जाएंगे बाल। तो चिन्नू भाई ये आपका गांव है, चलो इंट्रोड्यूस कराओ, आपके भाई भी हैं यहाँ पे। या मेरा भाई है और अंकल भी है यहाँ पे, इनसे भी बात हुई थी लास्ट टाइम। ये भी आपके भाई हैं? यह मेरा फ्रेंड का वाला। अच्छा। आदिवासी लोग है पूरा, मेरा बाप है पूरा। अच्छा। फ्रेंड लोग टाइम से ये ऑयल आप लोग बना रहे हो क्या? सर हमको ये कर्नाटक में आके, हम ऐसे 1958 में कर्नाटक में आए थे हम। पूरा पहले गुजरात सूरत वो साइड में रहते थे, हम ओल से आते है, बोलते आने के बाद कर्नाटक में आए थे 1958 में। अच्छा। तभी तेल बनाते थे सर। Okay. तभी ऐसा ऑनलाइन बिजनेस नहीं था। अच्छा। तो मेरा दादा वो लोग पूरा घर घर पे जाके एडवर्टाइज करके एक बॉटल तेल से दूसरे शहर जाते थे। हाँ, एक शहर ट्रैवल करते हैं, घर घर पे जाके सेल करते थे, हम बता के जो पूरी डिटेल देख के हम सेल करते थे पहले। अच्छा। जैसे एक शहर चले गए तो फिर कुछ वहाँ पर दिन रहे, फिर वहाँ उधर एक दो तीन महीने रह के ट्रेडिशनल टाइप ऑफ मार्केटिंग करते थे। अभी तो ऑनलाइन बिजनेस छोड़ा है ऐसा यूट्यूबर से, आपसे हमारे को पूरा क्यों तो कस्टमर लोग को हम कैसा रहते हैं करके आप दिखा रहे हैं, तो ये तो पूरा पहले नहीं था। तो ये आपके अभी आपने आप बता रहे थे कटवा लिया आपने एक बार बाल? जी सर, पहले के बाल कटवाने के बाद इतने मेंटेन करने को नहीं आते हैं बाल को, कटवाने के बाद इतने बाल है, मेंटेन करने को नहीं आता है बाल। तो चिन्नू भाई कोई ऐसा भी है आपके गाँव में जिसके बाल ना हो? गंजापन नहीं, किसी को नहीं है। मेरे दादा को देखो सर, दादाजी कहाँ बैठे हैं? अच्छा, दादाजी को भी गंजापन नहीं आया अभी तक? नहीं, गंजापन नहीं आता है सर। देखो यार मेरा दादा, दादाजी के भी बाल है बिल्कुल ठीक। हाँ, पूरा बाल है, लेकिन दाढ़ी है मुझ पुसे ऐसे रहते। तो मतलब कोई नहीं है पूरे गांव में जिसके बालों का प्रॉब्लम हो? बालों का प्रॉब्लम किसी के नहीं है, सबके बाल बढ़िया हो गए हैं। तो हम ना पूर्व जो हम तो इससे ज्यादा मतलब प्रूवन और कुछ नहीं हो सकता फिर तो, कि आपके गांव में कोई अगर गंजा ही नहीं है। हाँ। पहले एक बार गांव घूम के आते हैं, ठीक हो सकता है कोई गंजा बंदा मिल जाए हमारे को। सभी को बाल रहते हैं, सभी को बाल रहते हैं। नाना जी नमस्कार। नमस्कार, ये देखिए सर, नाना जी का बाल देखिए। नाना जी का भी इतना बाल है? नाना जी कितने एज है सर? अपना वॉइस का तरह 70 तो बोलते ना, थोड़ा बहुत भी 50 साल हो गया बाल चला गया करके, साल का मतलब नहीं है। तो एक एक आदमी का खाना पीने का धूप की वजह से बाल चल जाता है, वो छोड़ के जेनेटिक प्रॉब्लम बोलता है, वो कुछ भी नहीं है। हम तो आदिवासी लोग है, इतना साल उम्र हो गया था इसका बाल है, क्योंकि तो हम ऐसा पूर्व जैसे लगाते आते रहे थे। Okay. मेरा पूरा आदमी को अच्छा बाल है। कोई यहाँ पर जैसे अलग अलग जगहों का म्यूजिक अलग होता है, अलग अलग जगहों का डांस होता है, कुछ अलग अलग ऐसा भी? मेरा डांस है, मेरा म्यूजिक है सर, हमारा भगवान का एक फेस्टिवल होता है। शूटिंग जितना जड़ी बूटी होता है, हाँ जी, एक सौ जड़ी बूटी को मिला के है, और तो एक 16-17 बाटली तेल खोपरे का तेल में बनाते हैं। अच्छा, 100 जड़ी बूटियों को खोपरे के तेल में उसको पकाना पकाते हैं। कितने टाइम तक पकाते हैं? बनाते हैं। कितनी देर पकता है? बहुत दिन लगता है, 6-7 दिन लगता है। 6-7 दिन पकने में लगता है सिर्फ ऑयल को? मतलब आपको एक ऑयल एक बार बनाने के लिए बहुत टाइम लगाना पड़ता है उसका? तो भाई कितना टाइम लगता होगा? जैसे आप मान के चलो कि अगर एक मेरे घर में 1 लीटर ऑयल की बॉटल है, तो उसमें आपका कितना टाइम जाता होगा सर? मिनिमम ये मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि कॉस्ट जस्टिफाई करने के लिए। तेल पकाने के लिए 2 दिन में पक जाता है।
वो तेल पहले से डाल के जड़ी बूटी डाल के रखते हैं, एक 10 दिन घर में रखते हैं। लेकिन जड़ी बूटिया टाइम भी तो लगता होगा ना आपको लाने वो, में। वो सभी सर अभी एक जड़ी बूटी लेते हो और एक बार बोल देने का जड़ी बूटी लेके आओ करके, वो 15 दिन लग जाते हैं जड़ी बूटी लेके। मतलब 15 दिन जड़ी बूटी लाने के लिए चाहिए। मतलब सर एक जड़ी बूटी इधर मिले तो और थोड़ा दूर जाके और एक, मतलब एक जड़ी बूटी अगर यहाँ मिले तो दूसरी जड़ी बूटी 10 किलोमीटर दूर भी मिल सकती है। इसलिए थोड़ा तो 15 दिन 10 दिन टाइम करता है। मतलब बहुत मेहनत लगती है आप लोग। मेहनत बोलने से मेहनत करते हैं तो मेहनत से ही ये तेल सभी को कस्टमर को फायदा मिलने के लिए मेहनत करते हैं। हमारे को पैसा नहीं, हमारे से एक बाल नहीं रहता ना, एक एक आदमी को बाल ही अच्छा दिखता है। गंजापन वाला आदमी की हमारा हमारा तेल कैसा ऐसा क्यों पूरा एडवर्टाइज हम सभी आदमी को बुला के दिखा रहेगा तो हमारा तेल नेचुरल से बनाते सभी को फायदा मिलने के लिए ऐसा बोलते है। अच्छा ये क्या है, क्या चीज है इनके पास? ये जो है ना तो जो अंदर डेंड्रोफ रहता है डेंड्रोफ पूरा निकालेगा उसमें खुजली रहेगा, खुजली बालों में और खुजली पूरा निकाल के बाल अच्छा निकले उसे मजबूत। आप लोग क्या कहते हैं? गार्डरूम बोलते हैं हम, जो हमारे भाषा में गार्डरूम बोलते हैं हम। गार्डरूम गार्डरूम जड़ी बूटी का है। हिंदी में जो बोलने को नहीं आते, जो बाल पत्ता देखो आपको मालूम पड़ जाएगा। अच्छा। जो यही पत्ता भैया जो हम तेल में डाल के पकाते हैं उसमें जो डेंड्रफ जाता है, सूखता है पहले उसके बाद थोड़ा सूखते हैं, खरवा खुजली डेंड्रफ और कुसी कोंडा रहने से जिसको ये एक इंसान को खुजाने के बाद में खून भी आ जाता है वो भी हटा दिया गया, पूरा सिर के लिए साफ करेगा। अच्छा गया था भैया हम जंगल में गया था, जो हाथी ने तोड़ दिया तो उठा लेके हम आए हाथी हाथी मैं वो उठा के ट्राई करूं, ये तो हल्का है। ये हाथी ने तोड़ा था, कितनी दूर उठा के लाया अभी से? भैया जंगल से लेके आए हम, पूरा जंगल के लिए भारी है, कभी जरूरत नहीं बड़ी कलर करने की। हम तो सर सफेद बाल रहे तो ऐसे छोड़ देते हैं। 55 है सब मेरा उम्र और कभी कलर नहीं करा आपने? नहीं। तो ये गांव का स्कूल है और अच्छा गांव का आपके नाम क्या है? ये शंकरपुरा हाड़ी करते हैं। शंकरपुरा हाड़ी और पक्षीराजपुरा। पक्षीराजपुरा आपने जो दिखाया हमने देखा था, ये गांव का स्कूल है। अच्छा आप यहीं पढ़े हो? हाँ। अच्छा आप यहीं पढ़ते हो? ये सब लोग इधर ही पढ़ते हैं, ये और ये और ये सब लोग इधर कैमरा देख के भाग रहे हैं। पहली बार कैमरा देख। ओए हेलो टाइगर, हाथ उठाओ हाथ उठाओ। ये देखिए सर, ये हम लोग ऐसे ही पकाते रहते हैं। ये देखिए सब्जी है अपना, ये पालक का सब्जी बना रहे हैं अपना। पालक है और इसमें क्या है? और अब नारियल है। अच्छा नारियल और पालक है। हाँ जी सर, ऐसे हम लोग खुद पका के खाने का पूरा नेचुरल से। तो इसमें अच्छा और इसमें भी रोटी है, रोटी भी ऐसी बनेगी? सब्जी है, रोटी है। नहीं रोटी भी ऐसी बनेगी इसमें? हाँ रोटी इसमें ही बनेगी सर। अच्छा रोटी भी सब कुछ इसमें ही बनता है, चाय भी सब इधर ही बना लेते हैं। सब इधर ही बन जाएगा, सब लोग इधर ही बना के खाते हैं सर। इससे क्या पक्षी पकड़ते हैं? पहले इसीलिए आपके गांव का नाम जो है पक्षी राजपुर है, क्योंकि पक्षी पकड़ते थे आप लोग। अच्छा इस तरीके से लोगों का ऐसे गांव का हक्की पिक्की बोलने से, कनाडा में हक्की बोलने से पक्षी करके। अच्छा हक्की पिक्की, और पिक्की का मतलब क्या होता है? घर के खाने वाले। अच्छा पक्षी पकड़ के खाने वाले को हक्की पिक्की कहते हैं और उसको पक्षी राजपुरा हिंदी में लिखा हुआ है, इससे पकड़ते हैं ट्रेडिशनली। ये तरीका है, थोड़ा धीमा दिखा रहा हूँ, थोड़ा धीमा दिखाता हूँ आपके लिए। नाम बोला उसमें जो सब जो तीतर रहता है जो। अच्छा मतलब ये कोई भी पक्षी पकड़ लेता है? कोई भी पक्षी। एक गिरोल है, इससे मारते हैं पहले? हाँ ये मारते हैं अभी नहीं हो, इससे पकड़ते हैं। मतलब मारते हैं फिर वो इसमें गिरता है और फिर फंस जाता है? नहीं, ऐसे ये मारने का अलग रहता है, ये मारने का अलग रहता है। अच्छा ये पकड़ने का अलग रहता है, जो भी पक्षी आगे। इसको क्या, इसको कैसे आप फेंक के पकड़ते हो पक्षी को? नहीं, ऐसे छोड़ देते हैं। आगे है ना, अच्छा तार है अंदर, छोटी 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 तार है, मुझे दिख ही नहीं रही थी अभी आपने उंगली डाली तो देखा है। अच्छा ये हमारा दिन आया, हमारा धंधा है, भगवान कैसा रहता है ना वैसा इसको घर में रख। अच्छा ये भगवान की तरह ही है आपको लगा पहले को, क्योंकि इससे यही खाना इससे मिलता है जो यो जो सरकार लोग ने जो हमको कटाई कर दिया जब से हमने छोड़ दिया है, लेकिन है हमारे पास साबुत। अभी क्या है, जंगल की जड़ी बूटी निकालते हैं ऐसे छोटा मोटा बिजनेस करते हैं भैया। हमको सब माल परिचय है, जंगल में जितना जड़ी बूटी है वो सब हमको परिचय है। इसमें क्या दवाई होता है, क्या होता है, कैंसर के लिए, दम के लिए, ये जो गैस के लिए, जो बटन दर्द होता है, कौन सी दवाई की चीज की है, सब कुछ दवाई के लिए हम करते हैं भैया। हम लोग ऐसा सभी दवाई के लिए तैयार करते हैं, हम लोग ऐसा छोड़ते नहीं। हम लोग
इस ऑयल में कितनी जड़ी बूटियां डलती हैं सर? 101 जड़ी बूटी डालते हैं। थोड़ी सूखी थोड़ी हरी, थोड़ी हरी वो डालते हैं। 101 आ जाती हैं टोटली। 101 भी ज्यादा भी आ जाते हैं। अच्छा, ये डाल के पकाते हैं, तेल में डाल के पकाते हैं। चलिए चलते हैं। कुछ स्कैम भी चल रहा है इसके ऊपर, आप बता रहे हो, उसके बारे में भी बताना थोड़ा सा हमारे को। सर स्कैम बोलने से ना आदिवासी, अभी हम मेरा पूरा इंडिया वालों को मालूम आदिवासी कैसा है करके, आदिवासी का सिर्फ नाम रख के कितने की अपनी सेल कर रहे हैं, नंबर नहीं रहेगा। और उसमें आपके पास कोई है जो स्कैम की बोतल हो? स्कैम की बोतल मेरा भाई ने ही ऑर्डर किया था। चलो आप दिखाना अभी छोड़ के थोड़ी देर में। तो ये तेल कैसा बनाते है देखो सर, आदिवासी लोग है घर में बनाने का तेल, इसका तेल के नाम है आदिवासी ब्रिंगा मूला का हेयर ऑयल करके रखा हूँ। तो ऐसा ना जड़ी बूटी डाल के बर्तन में डाल के पकाते है, पकाल के निकालते है तो बॉटल में पैक करते हैं, बॉक्स में पैक करके भेजते हैं। तो ये तेल ना बॉक्स में आए तो लो, कवर में तो कोरियर वाला सिर्फ बॉटल दिया तो मत लेने का है। देखो सर ऐसी बॉक्स में तेल आता है, तो ऐसी बॉक्स में आया तो पार्सल रिसीव करो, कवर में और सिर्फ तेल दिया तो कोरियर वाला मत मांगने का है। हम ऐसे बॉक्स में ये तेल पैक करके भेजते हैं, क्योंकि तो अभी कोरियर वाला भी ज़्यादा फ्रॉड करने के लिए शुरू हो गया, ये तेल ऐसा बॉक्स में पैक करके भेजते हैं। ये तेल आप थोड़ा दिखाना और इसमें क्या क्या मतलब अलग, जैसे देखो सर ये तेल में मेरा GST नंबर है, तेल में मेरा ये GST नंबर है। ओके। और मेरा एड्रेस आता है, ठीक है, और मेरा मोबाइल नंबर आता है, ठीक है। ये मेरा YouTube चैनल का पर्सनल YouTube चैनल, कोई भी आपको दिक्कत हो तो भी ये YouTube में चैनल में जाके देख सकते हो। तो क्या बाल में लगाने का तरीका पता नहीं हो रहा है, कैसा लगाने का तरीका आपको मालूम नहीं हो रहा है तो YouTube में मेरे चैनल में जाके देख लो, क्या भी दिक्कत है तो वीडियो कॉल भी करके। हमारे घर वाले सर मैं नहीं रहे तो मेरे घर वाले वीडियो कॉल उठाएंगे, देखो अभी मेरी दीदी वीडियो कॉल उठाएंगे दोनों, तो इससे भी वीडियो कॉल में बात कर सकते हैं। तो हम एक एक बार घर में नहीं रहते तो सभी लोग बोलते हैं चीनू भाई से वीडियो कॉल में बात करने के लिए, तो मैं नहीं रहा तो इससे वीडियो कॉल में बात कर सकते हैं, ये दो दीदी से बात कर सकते हैं। सर जो आजकल ना लोगों को फंसा रहे नकली तेल में, जो फ्रॉड चल रहा है बाय वन गेट वन करके, स्कैम हो रहा है आदिवासी का लोग के नाम से आजकल बहुत सारा स्कैम हो रहा है, स्कैम से बचो, ओरिजिनल तेल लो सर। देखिए पूरा ऐसा नकली तेल, ऐसा छोटा छोटा बॉटल आता है सर, फ्लिपकार्ट अमेजोन मीशो में और इंस्टाग्राम फेसबुक में बहुत सारा स्कैम चल रहा है आदिवासी के नाम से। ये आदिवासी के नाम से ही बेच रहे, पूरा स्टिकर सिर्फ डालते हैं, कुछ नहीं रहता इनका, आपके जैसा ही स्टिकर बनाते हैं। पूरा हमारा ही खुद का फोटो पूरा निकाल के ना ये लोग, अच्छा, आप लोगों की फोटो निकाल के इसके ऊपर स्टिकर रहते हैं। हाँ स्टिकर रहते हैं, इसलिए पूरा केमिकल से। आपने कभी इसको मतलब ट्रेस करा कि कहाँ से हो रही है, क्या हो रहा है? गुजरात सूरत से जो ये लोग बना रहे हैं, बहुत सारे ट्रेस करके हमने उसको पता चला। हमको कुछ नहीं इसमें, सिर्फ कलर है, पानी में कलर मिक्स करके दे रहे हैं। एक मिनट, ये फ्रॉड है, नकली प्रोडक्ट है, नकली स्मेल आ रही है, स्मेल गंदी स्मेल आती है केमिकल की, ऐसे स्कैम में मत पड़ना। फ्रेग्रेंस डाल रखी है जी जी, परफ्यूम डाल के या एसेंस या कोई कलर डाल। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी, ये तो बहुत ही गंदा है, ये तो पता चल रहा है साफ। सर हम लोगों तक ना ओरिजिनल तेल पहुंचाना चाहते हैं सर, स्कैम में मत पड़ो, ओरिजिनल तेल लोग इस्तेमाल करो। फर्क देखो, इसमें कोई एड्रेस कोई मोबाइल नंबर नहीं है, हम कुछ नहीं है इसके अंदर, इसमें कुछ भी नहीं है, सिर्फ आदिवासी का नाम है होता है। तो इसका दाम भेज रहे 499 में, दो बॉटल भेजता है तो हमारा बेचते है कस्टमर क्या रहता है सर, वीडियो भी आदिवासी का ही रहता है, उसका नंबर नीचे तो नकली तेल से बचो, स्कैम से बचो, ओरिजिनल तेल लेके इस्तेमाल करोगे ना 100% फायदा करेगा, रिजल्ट मिलेगा। ऐसा आपके साथ प्रूफ दिखा रहे हैं, खुद बनाते हैं, पूरी जड़ी बूटी इकट्ठा करके खुद हम बनाते हैं, कस्टमर तक पहुंचाते हैं। ओरिजिनल तेल लेने के लिए ना हमसे कॉन्टेक्ट करके बात करके ऑर्डर करो, ऐसा वेबसाइट के द्वारा ऐसा बाय वन गेट वन के चक्कर मत पड़ना। सर इसका रेट आता है, एक आदमी दो बोतल 6 महीना कोर्स होता है, ये दो बोतल 6 महीना हफ्ते में 3 बार करके लगाने से कोई भी बाल में प्रॉब्लम रहे तो हटा के अच्छा बाल उगता है। तो एक बोतल पड़ता है सर 3 महीना लगाओ, इसका कोरियर का चार्ज टैक्स अभी मिला के 1600 में आएगा, क्योंकि हम GST टैक्स पूरा भेजते हैं, ओरिजिनल तेल है ना 1600 में पड़ेगा। तो दो बोतल 6 महीने के लिए कोर्स करना चाहते हो 3000 में पड़ेगा। तो आपको जानकारी लेके हमारे को फ़ोन करो, 2 मिनट हमारे से बात करो, तो हमारा तेल मंगाओ, 100% बालों में फ़ायदा मिलेगा। और मेरा ओरिजिनल वेबसाइट भी नीचे दूंगा सर, ओरिजिनल में ऑफिशियल मेरा वेबसाइट है, उसमें भी जाकर बुक कर सकते हो। तो ये तेल मंगा लो सर, बालों में अच्छा फ़ायदा मिलेगा, नकली में फंसो मत, ओरिजिनल तेल लेके यूज़ करो, बाल अच्छा घना ग्रोथ से लंबा बाल होकर आएगा। तो चिनू भाई पार्सल के बारे में बताओ कि कैसे पैक करते हो, क्या करते हो? सर ऐसा बॉक्स में ना ये तेल डाल के पैकिंग करके भेजते हैं, तो अभी एक कोरियर वाला क्या करता है, सिर्फ तेल निकाल के दे देता है, बॉक्स हमारे को देता है, ये रिटर्न आ जाएगा करके। कस्टमर लोग को बोल रहा हो बॉक्स के साथ तेल रिसीव करो, हमारे को तेल का फोटो निकाल के भेजो, लगाने का सही तरीका बता के देंगे, वो तरीका से तेल यूज़ करो, स्कैम से बचो सर, ओरिजिनल तेल बॉक्स के साथ लो, ऐसा पैकिंग आएगा, ये पैकिंग के साथ बॉक्स पार्सल ले लो।
सो दिस वॉज माई विजिट टू मैसूर और यहाँ पर आने का पर्पज सिर्फ इतना ही था कि मैं आपको दिखा पाऊँ कि जो आदिवासी हेयर ऑयल है किस तरीके से ये बनता है, किस तरीके से लोग रहते हैं वगैरह वगैरह। एंड आई होप आपको पसंद आया होगा। अब मेरा फ्लाइट का टाइम होने वाला है और मैं वापस निकल रहा हूँ ब्रेकफास्ट करके यहाँ से। मेरे को तो बहुत अच्छा लगा मैसूर, आपको कैसा लगा इस वीडियो से ये मुझे ज़रूर बताना कमेंट सेक्शन में। और हाँ, लाइक का बटन दबा के, सब्सक्राइब का बटन दबा के, बेल आइकन जरूर दबा के जाना।